नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम रिकंडक्ट कराना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया था, लेकिन अब आपका केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। केस रजिस्टर्ड होने के साथ एक डायरी नंबर मिलता है, वो डायरी नंबर मैं आपको बताऊंगा 23382। आप जाके ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आपका केस रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। ये केस विश्व कुमार वर्सेज एनटीए के बीच में लड़ा जाएगा और जो स्टूडेंटों को उम्मीद थी कि एग्जाम रिकंडक्ट होगा उनकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब थोड़े चांसेस बढ़ रहे हैं। नीट के आंसर की को भी अभी लॉन्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट को या फिर एनटीए वालों को थोड़ा सा डाउट है इस वजह से। और इसके अलावा सीबीआई ने भी काफी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया और काफी केसेस सॉल्व किए हैं। इसके अलावा उन्होंने काफी एविडेंस भी कलेक्ट किए हैं। और मैं आपको बता देता हूं, ये केस और केसों की तरह बहुत लॉन्ग नहीं चलने वाला है। इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 या 2 वीक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर ये लेट हो जाता है तो कम से कम दोबारा री एग्जाम कराने के लिए 1.5 से 2 महीने का समय चाहिएगा। तो स्टूडेंट, बस मैं आपसे यही कहूंगा, जिन स्टूडेंटों के अच्छे नंबर थे, देखो अगर आप पहले अच्छे नंबर लेके आए तो दोबारा भी आप लेके आ सकते हैं। बस आपको कोई नहीं, बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखना है। और जिन स्टूडेंटों के पहले कम नंबर थे, इसका मतलब ये नहीं दोबारा एग्जाम होगा आपके ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो आप इसी चीज में ना लगे रहें कि एग्जाम को दोबारा करा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अगर टाइम मिलता है तो आप अपनी पढ़ाई, जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट ना जाए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूट रखिए, जिससे कि अगर रिजल्ट आपके पक्ष में या विपक्ष में आएगा तो आपकी पढ़ाई काम आएगी। अगर रिकंडक्ट होगा तो इस साल काम आएगी, अगर जिन स्टूडेंटों ने 2022 का टारगेट सेट कर रखा है उनके लिए काम आएगी। तो स्टूडेंट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।